हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं उस ग्रीन लैंटर्न के बारे में जो कि जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग में नहीं आ पाया। जिन लोगों ने मूवी देखा है उनको मालूम होगा कि जस्टिस लीग में दो ग्रीन लैंटर्न दिखाए गए थे, जिसमें से एक था यालान गुर जो कि एंशिएंट वॉर में दिखा था गॉड्स, ह्यूमन, अटलांटियंस और अमेज़ॉन्स, जबकि जो दूसरा ग्रीन लैंटर्न था वो हमें तब दिखाया गया था जब साइबॉर्ग ने खुद को सुपरमैन के शिप से अपने आप को फ्यूज किया था और उसे एक नाइटमेयर टाइप सीक्वेंस दिखाया गया था, जहां पर वो किलोवॉक की डेड बॉडी देखता है जो कि ग्रीन लैंटर्न में एक नोटेबल कैरेक्टर की तरह काउंट किया जाता है। जब इसके अलावा और एक ग्रीन लैंटर्न दिखाया जाने वाला था जिसको वार्नर ब्रॉस ने मूवी में आने से रोक दिया, जिसके जगह पे जैक स्नाइडर ने मार्शियन मैनहंटर को यूज किया था और वो था मूवी का एंड सीन जहां पे मार्शियन मैनहंटर जाकर यहां पर ब्रूस वेन से मिलता है। यहां पर जो उसके स्टेटमेंट्स तक रहते हैं वो भी सेंस नहीं बनाते हैं, लेकिन जब आप इस बात को इस चीज से जोड़े कि वहां पे पहले ग्रीन लैंटर्न दिखाया जाने वाला था तब वो बहुत ही ज्यादा सेंस बनाते हैं। एस ये जो मार्शियन मैनहंटर था ये मेन फाइट का हिस्सा तक नहीं बना, तो इसको एंटी लाइफ इक्वेशन एंड डार्क साइड के बारे में कैसे पता, जो कि शायद तक बैटसी को भी ना पता हो। ऑफ कोर्स बैटमैन को डार्क साइड की खबर थी बट उसको एंटी लाइफ इक्वेशन का कोई आइडिया नहीं था। एस डायना ने भी ये बताया था कि तीन मदर बॉक्सेस को जोड़कर प्लेनेट को ट्रांसफॉर्म किया जाता है एंड उसके बाद वहां पे मौजूद सब कोई को पैराडाइमेंस में बना दिया जाता है, बट उसने कहीं पर भी डार्क साइड के असली मकसद को नहीं बताया था कि वो क्यों प्लेनेट कॉन्कर करता था, जो कि था एंटी लाइफ इक्वेशन के लिए, या फिर अर्थ में एंटी लाइफ इक्वेशन है ये बात भी डायना को नहीं बताती और ना ही डार्क साइड को। इनफैक्ट ये बात मूवी के अंदर सबसे पहले स्टीफन वुल्फ को पता चलती है, जिसके बाद वो देसाद को कन्वे करता है, जिसके बाद डार्क साइड जो कि स्टीफन वुल्फ का चेहरा तक नहीं देखना चाहता था वो उसके सारे कांडों को इग्नोर करके उसके सामने अपना दर्शन देता है, जिसके बाद क्या हुआ ये तो आप लोगों ने मूवी के अंदर देखा ही। लेकिन जो लाइंस मार्शियन मैनहंटर मूवी के एंड में ब्रूस को कहता है वो अगर ग्रीन लैंटर्न कहता तो उसकी सारी बातें जस्टिफाइएबल होती, एज ग्रीन लैंटर्न वो है जो कि ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं और उनके रिंग्स के अंदर ब्रह्मांड के कई सारे सीक्रेट्स और इंटेल मौजूद रहते हैं, तो उनके पास ये नॉलेज तो होगा ही। यहाँ पर इस चीज को भी जस्टिफाई किया जा सकता है कि क्यों ग्रीन लैंटर्न एंड फाइट में नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ एक प्लेनेट का पहरेदार नहीं है बल्कि पूरे एक स्पेस सेक्टर का है, तो जब तक वो अर्थ आया तब तक खतरा टल चुका था, या फिर आप कह सकते हैं कि वो लेट से आया या फिर किसी और मिशन में वो बिजी था। जो भी हो, अगर मार्शियन मैनहंटर की जगह ग्रीन लैंटर्न डार्क साइड एंड एंटी लाइफ इक्वेशन के बारे में बताता तो ज्यादा सेंस बनता, एस जैसा कि मैंने बताया कि ग्रीन लैंटर्न के रिंग्स में बहुत सारे स्पेस सेक्टर्स एंड क्रिमिनल्स प्लस पोटेंशियल थ्रेट की पूरी जानकारी होती है। खैर, जब से मूवी रिलीज हुई थी उस समय से ये बात निकल के आ रही थी कि स्नाइडर चाचा के ओरिजिनल स्क्रिप्ट में मार्शियन मैनहंटर नहीं बल्कि ग्रीन लैंटर्न को रखा गया था, जिसके बाद उन्होंने रिवील किया कि वो कौन सा ग्रीन लैंटर था जो कि था जॉन स्टेवर्ट। एंड ये बात बोलने के कुछ समय बाद ही हमें बिहाइंड द सीन्स भी देखने को मिले जो कि शूट तक हुए थे, एंड कल सौभाग्य हमारा कि उनका दर्शन तक हो गया जो कि स्नाइडर ने खुद अपने फोन से किया। इसके एक्टर वेन टी कार थे जिसको जैक्स चचा ने खुद कंफर्म किया। अब बस यही उम्मीद है कि किसी तरह ये सीन ग्रीन लैंटर्न के साथ नसीब हो और रिलीज द स्नाइडर वर्स में और भी ज्यादा जोर आए, जिसके बाद से HBO Max जैक स्नाइडर को अपना विजन पूरा करने दे, क्योंकि वार्नर ब्रॉस तो उन्हें कुछ करने देने से रहा, उससे तो कोई उम्मीद भी नहीं है, जो उम्मीद है वो HBO Max एंड AT&T से है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आई नो वीडियो काफी छोटा है बट वरी नॉट, DC के ऊपर अभी और भी वीडियोस आएंगी। सोच रहा हूँ कि स्नाइडर कट से रिलेटेड कई सारी चीजें हैं जो कि कई लोगों ने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके बताया है एंड मेरा उस चीज के प्रति कुछ और टेक है, लेकिन मैंने उन सारे टॉपिक्स को ड्रॉप कर दिया था क्योंकि वो बाकी सारे यूट्यूबर्स के साथ क्लैश कर जा रहे थे और मैं थोड़े ऑडियंस में खींचातानी नहीं चाहता, क्योंकि पिछले बार जब मैंने फ्लैश से रिलेटेड कुछ बताया था तो उसमें मुझे सुनने को मिल गया था। बट अब मैं उन सब के बारे में उतना नहीं सोचने वाला, क्योंकि जब बाकी यूट्यूबर्स अपना परसेप्शन रख सकते हैं तो मैं भी एज अ फैन अपना परसेप्शन और ओपिनियन रख ही सकता हूँ। बाकी तो ऑडियंस अपने हिसाब से जो उनको सही लगेगा वो चूज कर लेगी।
लिए। वैसे भी डिफरेंस इन ओपिनियन से डिस्कशन शुरू होता है, वरना सेम चीज पर अगर सब अग्री करने लगे तो डिस्कशन खत्म होते टाइम नहीं लगेगा। वेल आई होप आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ नया जानने को मिला हो, और अगर ऐसा है तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो भी आपके जैसे ही एंजॉय कर पाएं। और अगर ना मिला हो तो इस वीडियो को अपने तक ही रखें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो इसे दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें कि पूरी फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।